हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुप्रतीक्षित शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 26 जनवरी 2017 को दिन के दूसरे पहर में। इस पे एक हल्की सी दृष्टि डालने की कोशिश है। ये जो भी फलादेश होगा ये राशि के लिए या किसी भी जातक के लिए पूर्ण फलादेश कभी नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल लग्न, हर व्यक्ति की चल रही व्यक्तिगत दशा, महादशा, अंतरदशा बहुत मायने रखती है एक आदमी की जिंदगी में। तो यहाँ राशि के अनुसार शनि का राशि परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका एक छोटा सा प्रयास और छोटा सा प्रकाश डालने की कोशिश भर करूंगा मैं, और आशा करता हूं ये आप सबके लिए मार्गदर्शक भी बनेगा और फायदेमंद भी रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही सफलतादायक और बहुत ही अच्छा गोचर साबित होने वाला है, क्योंकि अष्टम शनि की दशा जो छोटी ढैया भी कहलाती है वो इनकी खत्म होने वाली है मेष राशि के जातकों के लिए। और मेष राशि के जातकों के लिए बहुप्रतीक्षित मिलने वाली सफलता जो उनकी रुकी पड़ी थी उसके द्वार अब खुलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ धनु राशि में आते ही शनि का नक्षत्र भी बदल गया और शनि जिसके नक्षत्र में है उसकी प्लेसमेंट भी मेष राशि के अनुसार अच्छी जगह पे है। शनि का नक्षत्र के थ्रू भी एकादश से कनेक्शन बन रहा है, शनि एकादश से एकादश भाव में है, यानी सफलता का लॉर्ड अपने से सफलता वाले भाव पे है, यानी एकादश भाव में है, तो ये अच्छी स्थिति है। दशमेश शनि का नवम भाव में आना कर्म परिवर्तन का योग भी बनाता है, लेकिन ये कर्म परिवर्तन मैं कह रहा हूं, मैं सिद्धांत सहगल आपको कह रहा हूं कि ये कर्म परिवर्तन आपका प्रमोशन वाला कर्म परिवर्तन होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, आपकी मॉनिटरी स्थिति अच्छी होगी, आप प्रमोशन के साथ साथ आपका जो मंथली पे है उसमें भी परिवर्तन आएगा। ये आप एक नॉर्मल फलादेश मेष राशि के क्षेत्र में समझ लें। ढैया खत्म हो रही, शनि नवम स्थान पे आ गए और मेष राशि की स्थिति पिछले 2-2.5 साल से जो बड़ी कसी हुई थी, जो बहुत ही परेशानी वाला दौर गुजर रहा था, क्योंकि शनि जब तक अष्टम भाव में थे तो कर्म स्थान और लाभ स्थान दोनों को उन्होंने खराब किया हुआ था, और ऊपर से मंगल का बार बार अष्टम में आ जाना, मेष राशि के जातकों का शनि मंगल का अष्टम भाव में योग हो जाना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला था। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफी खुशखबरियां लेके आने वाला है, काफी फ्रूटफुल गोचर होगा ये, तो निश्चिंत हो जाएं, थोड़ी सी चिंता से दूर हो जाएं। इसके बाद जनवरी 2017, 2018 और 2019 ये 3 साल लगभग शनि देव धनु राशि में रहेंगे, और 23 या 24 एग्जैक्ट समझ लीजिए 24 तारीख को शनि देव फिर मकर राशि में आएंगे, तो मेष राशि के जातकों के लिए वो 2.5 साल भी अच्छे ही जाने वाले। तो अभी फिलहाल ये जो स्थिति मैंने बताई नॉर्मल, ये राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। केतु के नक्षत्र के पास शनि का विचरण जो होगा वो शुक्र के नक्षत्र में होगा, तो शुक्र मेष राशि के जातकों के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश है, तो मेष राशि के जातक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे, धन प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेंगे, और शुक्र की बदलती स्थितियों के अनुसार, क्योंकि शुक्र भी बुध की तरह तेजी से राशियां बदलता है, तो शुक्र की बदलती स्थितियों के अनुसार शुक्र जब पंचम में होगा तो मेष राशि के जातकों का प्रेम विवाह होने का योग बनेगा, शुक्र जब सप्तम में होगा तो विवाह का योग बनेगा, और शुक्र जब एकादश में होगा गोचर में शनि शुक्र के नक्षत्र में रहते हुए तो जातक के प्रेम प्रसंग सफलता प्राप्त करेंगे। शुक्र जब द्विति भाव में होगा तो भी यही स्थिति बनेगी, और ये चूंकि मैं स्थूल बता रहा हूं यहां पर एकदम
टू दी पॉइंट, शुक्र कब, रवि कब एक साथ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, इतना डिटेल्स यहाँ बोलने जाऊंगा तो बड़ा वक्त खा जाएगा और जो संभव नहीं है। एक हल्का सा प्रकाश डालने की कोशिश पर है। शुक्र के नक्षत्र में जब होगा तो आपके प्रेम प्रसंग, विवाह प्रसंग, व्यवसाय में उन्नति, धन संबंधी मामले में उन्नति, शुक्र एकादश में उस वक्त अगर आपको मिला शनि के शुक्र के नक्षत्र में होते हुए, तो धन प्राप्ति का योग बड़ा जबरदस्त होगा, व्यवसाय में धन प्राप्ति का योग बड़ा जबरदस्त होगा। शुक्र के बाद शनि ने सूर्य के नक्षत्र में जाना है, तो सूर्य का पहला चरण जो है धनु राशि में पड़ेगा, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार भी वहां फलाफल मिलने वाला है। उच्च शिक्षा में सफलता, सूर्य के नक्षत्र में शनि का विचरण आपको हायर एजुकेशन में सफलता देगा, प्रेम संबंधी मामलों में सफलता देगा, और खास करके उस वक्त ज्यादा सफलता देगा जब सूर्य और शुक्र का योग बन रहा होगा। यही स्थिति शुक्र के नक्षत्र में जब शनि होगा तो सूर्य शुक्र का योग जब भी बनेगा उस वक्त प्रेम प्रसंगों में, और जो कला के क्षेत्र में है, जो आर्टिस्ट है, जो अभिनय के क्षेत्र में है, जो गायन के क्षेत्र में है, वो सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। हाँ, मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को कि इंडिविजुअल कुंडली चल रही दशा अंतर दशा और व्यक्तिगत लग्न जिस जातक की जो भी है मेष राशि के साथ उसको जोड़ते हुए फलादेश करना है, और आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की लग्न के अनुसार क्या फलाफल होगा। ये वो यहाँ पर राशि के गोचर में बताना लगभग असंभव है। वो व्यक्तिगत जब भी कोई कंसल्टेशन करेगा तब वो उत्तर निकल के बाहर आते हैं। तो यहाँ गोचर का एक्चुअली, गोचर में अगर अच्छा फल अगर मिलने वाला है जातक को, गोचर में अगर जातक को अच्छा फल मिल रहा है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस को आप समझ लीजिए, प्लस प्लस को डबल प्लस समझ लीजिए। गोचर अच्छा है, दशा अंतर दशा अच्छी है तो बल्ले बल्ले। गोचर अच्छा है, दशा अंतर दशा अच्छी नहीं है तो थोड़ी बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर दशा अंतर दशा की वजह से परेशानी को गोचर थोड़ा संभाल लेगा। और गोचर भी अच्छा नहीं है और दशा अंतर दशा अच्छी नहीं है तो फिर उस वक्त भैंस पानी में गई वाली स्थिति बनती है। तो ये बैलेंस से जीवन चलता है। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी में बैलेंस की बहुत जरूरत होती है, बिना बैलेंस के कुछ नहीं होता। तो ये बड़ा सिंपल सा फलादेश है, इसको मैं बहुत ज्यादा गहराई में या बहुत ज्यादा माने गहराई में उतरना भी यहाँ संभव नहीं है। बेमकसद की कवायद भी हो सकती है, वो बेमकसद की कवायद भी होती है जो मैं नहीं करना चाहता। आप लोग जो मुझे जानते हैं, आप जानते हैं मैं बड़ा क्लियर कट बोलता हूँ, बड़ा साफ बोलता हूँ। मैं यहाँ 36,000 बातें यहाँ बोल सकता हूँ जो आपको बड़ी कर्मप्रिय लगेगी, लेकिन वो हकीकत के धरातल में रियालिटी में शायद उतनी फ्रूटफुल ना हो। लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए कर्णप्रिय स्थिति तो यही है कि मेष राशि के जातक जो पिछले तीन साल से लगभग परेशानी में थे, उस परेशानी से शनि का ये गोचर मेष राशि वालों को मुक्त करने वाला है, सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं, अपनी पैंट की बेल्ट को मजबूत कर लीजिए, खड़े हो जाइए कमर पे हाथ रख के और आगे बढ़िए अपने कर्म के रास्ते। सफलता आपका अब इंतजार कर रही है निश्चित तौर पे। कुंडली में अगर दशा अंतर दशा अच्छी चल रही है तो आपको इस वक्त सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये समझ लीजिए। क्योंकि एक हल्की सी स्थिति यहाँ ही बता दूं कि गुरु यहाँ पर द्वादश भाव में दृष्टि दे रहे हैं और यहाँ नवम भाव माने गुरु की नवम दृष्टि यहाँ आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, और गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो गुरु की लग्न के दोनों तरफ इस तरह दृष्टि पड़ना लग्न को शुभ कर्तरी योग प्रदान करती है, यानी लग्न के दोनों तरफ गुरु की दृष्टि शुभ कर्तरी योग प्रदान करती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए कम से कम बृहस्पति जब तक यहाँ है तब तक स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि उसके बाद भी बृहस्पति का गोचर शनि के धनु में रहते रहते बृहस्पति का गोचर यहाँ आएगा तो बृहस्पति की दृष्टि एकादश में फ्रूटफुल होगी, सीधे राशि पे यानी लग्न पे दृष्टि फ्रूटफुल होगी। नवम दृष्टि यहाँ तृतीय भाव पे चेष्टाओं में वृद्धि और नए योगा योगों में सफलता वाली हो। तो निश्चिंत रहें, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रहना बहुत जरूरी है।
जिंदगी में नकारात्मकता बहुत है लोगों के, और नकारात्मकता वैसे भी दुनिया में बहुत है, तो पॉजिटिव बने रहना बहुत जरूरी है। बाकी अच्छा बुरा आपके इंडिविजुअल कुंडली पे भी बहुत सा निर्भर करता है। तो मेष राशि का ये साधारण फल, मेष राशि के जातक एकदम सिट टाइट एंड टाइट योर बेल्ट एंड खड़े हो जाइए कर्म करने के लिए, क्योंकि बिना कर्म के सफलता नहीं मिलती है, नहीं मिलनी है। बस इतना सही है। बाकी मेरी जैसी की आदत है, अब मैं वृष राशि के बारे में बोलूंगा तो वहां भी कुछ नए तथ्य डालूंगा, फिर मिथुन के बारे में बोलूंगा तो वहां भी कुछ नए तथ्य वहां डाल दूंगा। तो जो भी मेरे राशिफल को अच्छे से समझना चाहते हैं वो मेरे मेष से मीन तक के राशिफल को आप ध्यान से एक बार देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं राशिफल बोलने के लिए या दो ढाई साल के शनि का गोचर या बृहस्पति का गोचर क्या फल देने वाला ये बोलने के लिए मैं कोई कागजी तैयारी करता नहीं हूं, और ना ही मैं लिख के उसको देख के उसको बोलता हूं, क्योंकि वो फिर बड़ी अनरियलिस्टिक वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि वहां फिर मैं भी कंफ्यूज होने लगता हूं कि ये लिख दूं या छोड़ दूं, ये कर दूं या ये कर दूं, तो ये स्थिति ठीक नहीं। अमूमन ज्योतिष अंधेरे में लाइट दिखाने वाला शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह क्या खाएंगे, दोपहर क्या खाएंगे, शाम को ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, ये ज्योतिष का काम नहीं है बताना, ये तो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि फ्री विल इज देयर, फ्री विल है अपनी जिंदगी को अच्छा या बुरा बनाने की आपके पास। तो ठीक है, मेष राशि के जातक खुश हो जाए, आनंदित रहे, और मिलते हैं फिर वृष राशि और शनि के गोचर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।